हेलो दोस्तों, मैं हूं नौमान और आपका स्वागत है हमारे अल्फा ज्ञान चैनल में। हर वो ज्ञान जो काम आए। इस वीडियो में हम HTML पेज का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो शुरू करते हैं। HTML पेज स्ट्रक्चर बिलो द विजुअलाइजेशन ऑफ एन HTML पेज स्ट्रक्चर। तो आप यहां पर इसे देखिए और इसे बहुत ही बारीकी से समझिए। अगर आप इसे समझ गए तो HTML को आप आधा समझ गए। अब बचेगा सिर्फ और सिर्फ टैग को समझना है और आप HTML का वे पेज आराम से क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है रूट एलिमेंट। हमने पहले का वीडियो में देख चुका हूँ, ये HTML एक रूट एलिमेंट है जो कि सभी टैग को इसका अंदर लिखा जाता है। जितना भी टैग होता है वो सभी टैग ये HTML का अंदर ही होता है। उसके बाद एक दूसरा सेक्शन ऑन होता है जिसे हम बोलते हैं हेड सेक्शन। इसके अंदर मेटा डिस्क्रिप्शन जितना भी होता है वो सभी इसके अंदर रहता है। जैसे कि टाइटल हो गया, पेज आइकन हो गया, कोई भी लिंक हो गया, वो सभी इसका अंदर होगा। उसके बाद जब हेड हमारा क्लोज हो जाएगा उसके बाद दूसरा सेक्शन ऑन होगा जिसे हम बॉडी सेक्शन बोलेंगे। और ये बॉडी सेक्शन में वो सभी कॉन्टेंट होगा जो आप अपना वेब पेज में दिखाना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, बहुत सारा पैराग्राफ हो सकता है, उसके बाद इमेज हो गया, वीडियो हो गया, जो भी कुछ आप दिखाना चाहते हैं वो सभी आपका बॉडी सेक्शन के अंदर में होगा। आप यहाँ पर तीन एग्जांपल देख सकते हैं और भी हो सकता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन ज़रूर सिलेक्ट करें। अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।